तो गाइस ये एक हेलीकॉप्टर, ये दूसरा, और इफ़ यू कैन नोटिस ये पीछे साइड में तीसरा हेलीकॉप्टर है। एंड व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। हेलो माय डियर फैमिली, दिस इज़ अविति एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक है, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और IITG की जो कम्युनिटी है वो सब लोगों ने मेल के थ्रू तो सुन ही लिया होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैम विजिट करने वाली हैं हमारा IIT कैंपस ऑन 13th ऑफ अक्टूबर। तो मतलब ये जो व्लॉग रहेगा ना, ये व्लॉग में यही सब दिखाने वाली हूँ, लाइक प्रिपरेशन, किस तरह से इतने सारे कमांडर फोर्स आ रही है, असम पुलिस आ रही है, एकदम आने की तैयारियों में लगी हुई है, उनके सिक्योरिटी की तैयारियों में लगी हुई है, किस तरह से हमारा कैंपस उनकी तैयारियों में लगा हुआ है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पसंद आएगा, सो वॉच टिल एंड गाइस। तो आज तो है 12th ऑफ अक्टूबर, लेकिन अभी क्या, कल तो मैम आने वाली हैं, प्रेसिडेंट मैम, तो आज से ही पूरी तैयारियां चल रही हैं। अभी कमांडर्स, असम पुलिस सब लोग एकदम हाई अलर्ट में आ गए, पूरा इंस्पेक्शन कर रही है कैंपस का कि सब ठीक ठाक है या नहीं है मैम के आने के लिए। इस दिन में तो वो हेलीकॉप्टर लैंड कराने का प्रैक्टिस चल रहा था ना, सियांग बॉयज हॉस्टल के सामने में 3 नए हेलीपैड बनाए हैं ना, वहाँ पर ही लैंड करा रहे थे वो, कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अभी तो मैं 1:30 बज गया, अभी मैं लैब से आ रही थी वापस, तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर भी एकदम वो फ्लैग के कलर्स में कर्टन्स लगा रखे हैं बड़े सुंदर तरीके से ऑडिटोरियम हॉल के सामने। तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा, कैंपस तो पूरा जगमगा रहा है हमारा। बेसिकली हमारा कैंपस हमेशा ही जगमगाता रहता है, बट अभी एक लेवल अलग है, ऑब्वियसली होगा। एंड वी आर रियली एक्साइटेड, सीरियसली। आई मीन इट्स लाइक शी हैज़ जॉइंड रिसेंटली एंड शी इज़ कमिंग हियर, लाइक वी आर गोइंग टू सी हर पर्सनली, इट्स लाइक वेरी डिफरेंट फीलिंग्स। एंड बाकी तो क्या कुछ होगा वो सब कल बताऊंगी आपको, फिलहाल तो बस ये सब चल रहा है यहाँ पर। आप हमें देख कर आ गए क्या? अच्छा, ठीक है। तो ये देखो गाइस, मतलब यहाँ पर आए और एकदम कमांडर दादा आ गए, भले वो कह रहे हैं नहीं, बट वो आए तो इसलिए थे क्योंकि मैं यहाँ पर आ रखी हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी का सवाल है, तो दे हैव टू डू देयर ड्यूटी। तो उठा ली हमने हमारी राम प्यारी, मतलब हमारी साइकिल, और अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल, थोड़ा सोएंगे। मतलब मुझे लैब में इतनी नींद आ रही थी ना, एंड बस यहाँ आके इतना एक्साइटमेंट आ गया, मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो भी तैयारियाँ चल रही हैं चलने देते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें एंट्री नहीं मिलेगी। शुड आई आस्क इफ़ आई एम अलाउड टू गो इनसाइड, शुड आई, बेइज्जती हो जाएगी, बट अगर नहीं मना कर दिया तो इसलिए पूछ ही नहीं रही हूँ मैं। हाँ जी, तो अभी तक मैंने जो भी व्लॉग में दिखाया ना, ये सारी तैयारियों वाला पार्ट था, ठीक है। एंड आज है 13th ऑफ अक्टूबर, एंड अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 12:54, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मैम विल बी हियर एट 11:30। लेट्स सी वो किस टाइम पर आएंगे। और हाँ, और सार्थक ने बोला, सार्थक मतलब हमारे कॉलेज का जो VP है, उसने बोला था मेल में, ऑप्शनल था कि कुछ ट्रेडिशनल डालना है, इससे अच्छा लगेगा। तो बढ़िया, मैंने एकदम वाइट कलर का कुर्ता वुर्ता डाल लिया है। तो हम एकदम पूरे रेडी, एकदम पूरे उमंग, उत्साह, जोश के साथ मैम को देखने के लिए, मैम को सुनने के लिए। तो चलो फिर चलते हैं, लंच करेंगे और लंच करके चलेंगे कैंपस, घूमेंगे थोड़ा सा। तो as I always say, save electricity, save environment, कहीं भी बाहर जाने से पहले फैन और लाइट बंद करना ना भूलें। कमांडर्स आ रखे हैं ना उनके लिए, मैंने बोला था ना सब लोग एकदम हाई अलर्ट में हैं।
commanders and everyone are here. So guys, मैम को हम लोग लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो ओल्ड गेस्ट हाउस में रहेंगे, बट मे बी वॉट एवर द रीज़न उनको न्यू गेस्ट हाउस में रखा गया है. एंड यू सी दिस इज़ द लेक, दिस इज़ न्यू गेस्ट हाउस एंड दिस इज़ द लेक इन फ्रंट ऑफ न्यू गेस्ट हाउस. एंड जस्ट सी मतलब कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर. एकदम पूरा पुलिस फोर्स आ रखी है, आर्मी वो सब लोग आ रखे हैं यहाँ पर. पूरा एकदम सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा गया है. And we are not allowed to go from that side. It's very sad to know. Oh God. मतलब ये देखो आप old guest house के ना ऊपर में आप देख पा रहे हो sniper लेके बैठे हुए हैं. कड़क security भाई, कड़क security. And from this side अगर हमको allow होता तो हम यहाँ से जाते new guest house. But sadly हम नहीं जा सकते हैं. But कोई बात नहीं, security is most important. सब जगह पुलिस खड़ी है, मतलब मेरे को लग रहा है कहीं वो छोड़ा कैंपस में. देख पा रहे हो आप लोग स्नाइपर लेके खड़े हुए, मतलब. हाँ तो गाइस अभी आपने देखा, मतलब हम लोग न्यू गेस्ट हाउस के पास में मतलब पहुँचते वहाँ पे लेक की वहाँ कितनी सिक्योरिटी थी. फिर इस साइड से पूरा मैरिड हॉस्टल तक कितनी सिक्योरिटी थी. फिर हमें वापस ही नहीं जाने दिया. तो अभी मैं यहाँ से मतलब मैरिड हॉस्टल के सामने से होके और सेक के वहाँ से निकल के अभी चलेंगे हम सियांग के पास में. वहाँ लोहित के सामने से गुजरते हुए तो मंजिल तक पहुँचते हुए हम और हम पहुँच गए. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट मैम लैंड कर चुकी हैं. क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है. मतलब मैं बस बहुत खुश हूँ. मतलब फीलिंग्स ही अलग हैं, सच में अलग ही एक्सपीरियंस. बोल गए भाई जरा तो आवाज़ कर दी. बन रही है भाई, बन रही है. गजब भाई, मजा ही मजा. रेड येलो वाली भी नहीं दिख रही थी. दस मिनट है ना तो सीधा ऑडिटोरियम. नहीं नहीं यहाँ भी तो कुछ कुछ करते हैं. ये तो बस डायरेक्टर वगैरह के बैठने के लिए था. सो गाइस ग्लैडली हम सियांग के सामने पहुंच गए. आई हैव हाई डाउट्स कि यहाँ पर भी आने देंगे वो, बिकॉज उस तरफ भी सिक्योरिटी, इस तरफ भी सिक्योरिटी. मेरे को लग रहा था शायद ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा होगा, बट थैंकफुली ऐसा नहीं किया है और हम एटलीस्ट यहाँ तक पहुँच गए. तो मैम के हेलीकॉप्टर ने यहाँ लैंड कर लिया है सियांग हॉस्टल के सामने. इसके बाद जो प्रोग्राम है, क्योंकि वो ऑडिटोरियम हॉल में होने वाला है, तो अभी हम ऑडिटोरियम हॉल में चलेंगे और लाइब्रेरी से होते हुए जाएंगे. तो बाहर का भी थोड़ा एकदम नज़ारा लेते हुए मज़ा आएगा. तो इधर से ही देख लीजिए, इधर से देखने में ज़्यादा अच्छा. इसी में है क्या इसमें? अरे यार यहीं क्यों नहीं उतर रही है? तो गाइस ये गाड़ी जो सबसे आगे चली गई ना, इसमें है प्रेसिडेंट मैम और पीछे पीछे से बहुत सारी हायर अथॉरिटीज आ रही हैं. मतलब यार यहीं उतर जाती तो कितना सही रहता, मतलब मज़ा ही आ जाता. मतलब ऐसा रहता बस अभी परफेक्ट हो गया सब चीज़. कोई बात नहीं, वही सब सिक्योरिटी का खेल है पूरा. गाड़ियों पे गाड़ियाँ, मतलब तीन गाड़ियाँ चली गई अंदर ही अंदर.
फोर्थ गाड़ी में से कमांडर सर उतरे और एक कोई सर भी उतरे हैं, मैं पहचानती नहीं हूँ, बट उनके पीछे कमांडर सर चल रहे हैं, मतलब कोई बढ़िया एकदम बहुत बड़े लोग हैं। और ये पीछे से शायद ये हेल्थ मिनिस्टर वाली मैडम जा रही है, स्टिल नॉट श्योर हाय कैसे भाग रहे हैं सबके सब। यार ऋतु ही अलग होता है, मतलब सच में वो कहते हैं ना महामहिम राष्ट्रपति जी, मतलब सच में महामहिम हैं वो, देखो ना आगे पीछे एकदम सब लोग, नेवी वाले भी हैं और कितने सारे लोग निकल रहे हैं, कितने सारे लोग जा रहे हैं, कुछ लोग तो लिटरली भाग रहे हैं, मतलब एकदम दौड़ लगा रहे हैं। ये देखो लोग, ये एक और जन दौड़ रहे हैं, ये भी दौड़ रहे हैं। सही सही बहुत सही बहुत सही। तो गाइस काफ़ी लोग आ चुके हैं और मैम अंदर पहुंच गई हैं, ऐसा ना हम यहीं रिकॉर्ड करके रह जाएं और अंदर मैडम आके बैठ जाएं, तो हम अंदर चलते हैं और जो होंगे। Challenging problems in healthcare, quantum computing, big data analysis, advanced weather prediction, and disaster prevention. Next, we have the High Power Active and Passive Component Laboratory of Samir, IIT Guwahati, for design and development of high power, microwave, active, and passive components for defense applications. Next, we have the Medical College and Hospital in Dhubri, Assam, an effort to make affordable healthcare available to all. Lastly, we have the virtual foundation stone laying of zonal institutes
of National Institute of Virology at Dibrugarh, Assam, and Jabalpur, Madhya Pradesh, to address any medical emergency and pandemic situation similar to what we had recently. एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर 838 टेराफ्लॉप्स की विशाल गणना शक्ति से लैस ये सुपर कंप्यूटर पूर्वोत्तर भारत में अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में नई पहलों को बढ़ावा देगा। तो गाइस इसी के साथ प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया। अभी हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के बाद फिर हम उनके मतलब जब मैम जाएंगी ना वो टाइम पे थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेंगी, ठीक है? फिर से तो मैम बता रही है ये कब से और इसमें छाए और ये भैया दो प्लेट दे। ये भैया पन्ना से है। ये भैया पन्ना से हो ना? देख पड़ोसी लोग मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। संभाग है ना सागर? हाँ वेज ही है ना भैया? पकौड़े मिल रहे हैं यहाँ पे बढ़िया एकदम और सॉस भी मिल गया और हम लोग का घाट को नहीं दिया। बस बस खोलो खोलो और दो दाल नहीं है। देखिए भाई स्टाफ के लोगों को नहीं दे रहे हैं तो और मेरे लिए भी एक प्लेट बस 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 मैं और दो दे दूँ। तो गाइस बाकी सब लोगों के लिए पकोड़े ख़त्म हो गए थे, उनके स्टाफ के लिए उन्होंने बचा के रखा था। बट भैया ने जब बोला ना मैं समझ गई कि एमपी के रहने वाले हैं। एकदम उनसे बातचीत की, अपन भी एमपी वाले तो एमपी से होने का फ़ायदा मिला है इधर हमें। एंड आई गॉट 4 पकोड़े और इतने टेस्टी है ना। सो गाइस इसी के साथ मैम चली गई, प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया एंड मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अभी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।